स्वागत है फिर से भी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जी सॉल्व गुरु। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो कि आप लोग का कॉमन प्रश्न कह सकते हैं सवाल था। तो सवाल क्या था, सवाल सबसे पहले ये था कि सर बिहार विधान परिषद के तहत जितने भी जो आपके कह सकते हैं पद थे उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होगा। सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि सर इसका लिंक जो है वो बिहार का जो सरकारी रिजल्ट है उस पर नहीं दिख रहा है, और कुछ बच्चे ये कह रहे सर लिंक तो हो रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। उस तमाम मुद्दों बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, उस मुद्दों को बात करने से पहले जो नए बच्चों चैनल को पहली बार देख रहे हैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सबसे पहले कोई भी एग्जाम का अपडेट दिया जाता है, और आज आपको शाम में एक और भी खुशखबरी देने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसका आप लोग सुन करके और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि ये भी वैकेंसी काफ़ी बम्पर वैकेंसी है और इसका सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अब जो है वो आप लोग का कह सकते हैं अवसर का पिटारा खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के सामने अब लगातार अवसर ही देखने को मिलेंगे, चाहे तो वो आपको विज्ञापन के रूप में या फिर आपको फॉर्म के रूप में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग केवल अपने कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और अपनी मेहनत को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जाहिर सी बात है कंपटीशन कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये नहीं कल भी हमारा लोग का ज्वाइनिंग होता था, आज भी ज्वाइनिंग होता है और आगे भी होता रहेगा। बस यही बात है कि ज्वाइनिंग जो होती है वो आपके थोड़ा सा मेहनत मांगता है, और थोड़ा सा मेहनत क्या मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डेली कंसिस्टेंसी जो होती है वही आपको सफलता दिलाती है। ठीक है, सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, साथ ही साथ एक शेयर और एक लाइक तो बनता है इस चैनल के लिए। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि सर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एसओ का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो एसओ का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, सबसे पहले तो ये देखिए आपको करना क्या है, आपके सामने उसका मैं विज्ञापन खोल देता हूँ, उस दिन मैं केवल आपको डेट बताकर छोड़ दिया था। डाउनलोड कैसे करना है ये देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड जो दिया हुआ क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी जब आप लोगों ने एसओ के लिए या फिर कह सकते हैं डीईओ के लिए या फिर आप कह सकते हैं एस्टोनो के लिए या रिपोर्टर के लिए जब आपने उसमें अप्लाई किया हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा। ठीक है, अब पासवर्ड नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी अपना फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपने पासवर्ड को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को डाल करके ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ रही है कि सर बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भी नहीं पता है, कुछ ऐसे भी हमारे भारत में नहीं बिहार में पाए जाते हैं, और उनका गलती नहीं है, जाहिर सी बात है कि इससे पहले वो प्रॉपर गाइडेंस में नहीं थे तो उनको लगा चलो भाई उस टाइम सब कुछ हो जाएगा, अभी केवल फॉर्म भर देते हैं। अब उनके पास क्या है कि उनके पास ना ही तो रजिस्ट्रेशन आईडी और ना ही पासवर्ड है, तो उन लोगों को दिल से सलाम, पहला सलाम तो बनता है, इसलिए कि अज्ञानता जो होती है वो ज्ञान का पहला द्वार होता है। तो आज के बाद ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा कि आपका जो पासवर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको कहीं खो दीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर फॉर्म भरिएगा, पहले याद रखिएगा कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसको दो तरह से सेव रखिएगा, एक फॉर्म भरने के साथ अगर कैफे में भरते हैं तो कैफे वालों कहिएगा कि इसका पीडीएफ जो है वो हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और अपने व्हाट्सअप में सेव रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, ताकि आगे जा करके आपको हार्ड कॉपी भी देनी पड़ी या फिर हार्ड कॉपी से तीन चार कॉपी बना सकते हैं, यानी दो जगह सेव रखिएगा, तो अगर एक जगह चला भी जाएगा तो एक जगह सेफ रहेगा, पहला चीज़। लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने वो नहीं किया है और आपके पास कहीं ना कहीं अवसर है इस फॉर्म को एग्ज़ाम देने को, तो आप क्या कर सकते हैं, तो नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो आज, मतलब आज और कल तो काम नहीं करेगा, इस पर आप मंडे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों कहेंगे सर यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाता है, तो आप मेल कीजिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं होता तो आगे हमको बताइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि सर आपने जो ये कहा था, यानी इसने जो कहा था कि 31 तारीख को सभी जो पोस्ट है उन सबका लिंक जारी कर दिया जाएगा, तो हुआ क्या था जरा इस बात को गौर कीजिएगा। 31 तारीख अगर मैं बात करता हूँ तो 31 तारीख जो है वो शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार के शाम जो है वो 7 बजे तक, ऐसा मैंने बोला था अपने पिछले वीडियो में कि 7 बजे तक आपको लिंक दे दिया जाएगा, लिंक दिया भी गया था, परंतु कुछ जो होता है वो टेक्निकल सर्वर इशू के कारण उसको रीचेक नहीं किया गया। आमतौर पर कोई भी लिंक दिया जाता है तो सबसे पहले उसको खुद से जो है वो टेस्ट किया जाता है, टेस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, खुद से जो होता है वो प्रोग्रामर जो होता है उसको टेस्ट करता है कि ये लिंक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ठीक है, लेकिन कल तक जो है उस प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी डिबग देखा गया, इस कारण से आप लोग को जो है वो बेसिकली लिंक खुल नहीं रहा है, यानी उस लिंक का जो कंप्लीट फाइनल जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1, 2 और 3 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जल्द जानकारी दी जाएगी, यानी कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने का वो प्रोसेस में कर दिया गया है, आपको पैनिक नहीं होना। अगर एडमिट कार्ड नहीं देना होता तो सीधा वो जो सबसे जो ऊपर मैसेज दिख रहा होगा आप लोग को, बिहार विधान परिषद का अगर वेबसाइट खोलते होंगे तो, ठीक है, तो बिहार विधान परिषद का अगर आप गूगल पर भी खोलते होंगे बिहार विधान परिषद, उसका सीधे डायरेक्टली आता होगा उसका मेन ऑफिशियल पेज, वहाँ पर आते हैं रिक्रूटमेंट में तो देखते होंगे कि आप लोग को एक पहला ही ऊपर में आ रहा होगा न्यू विज्ञापन, कि विज्ञापन संख्या 1, 2 और 3 के लिए जो है वो मुख्य रूप से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने
करने की सूचना जल्द दी जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एडमिट कार्ड की सूचना दी जाएगी, लेकिन 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 आज और कल के डेट में, यानी कल अगर ये काम फाइनल हो जाता तो कल 7 बजे तक आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता। लेकिन चूंकि ऑफिशियली जो बंदे प्रोग्रामर होते हैं, आईटी सेल जो होते हैं, जिसको हम आईटी सेल आमतौर पर बोलते हैं, आईटी सेल जो होते हैं वो सैटरडे और संडे जो होते हैं वो लीव पर होते हैं, और सैटरडे संडे लीव होने के कारण ये जो है वो काम नहीं होता। और जैसा कि पता होगा सरकारी काम जो होता है वो थोड़ा सा धीरे होता ही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन 9 तारीख को आपकी परीक्षा है, इस बात को आप स्पष्ट मान के चलिए, आप अपना माइंडसेट मान के चलिए कि आपको 9 तारीख परीक्षा होगी। बात हो रही है कि 1 और 2, आज तो ऐसे भी मतदान है पूरे पटना में, तो बहुत सारे लोग मतदान देंगे, हम लोग भी मतदान को कहीं ना कहीं समर्थन करते ही करते हैं, तो मतदान देंगे। और कल जो है वो संडे है, 2 दिन आपका सरकारी छुट्टी हो गया। मंडे को जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग को 7 बजे शाम तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ 7 बजे शाम तक, इसलिए कि शुरुआती जो वर्किंग आवर होती है 10 बजे से, वो हमारे कार्यालय के विभागीय कार्रवाई होती है उसमें होता है, और जाने टाइम जो होते हैं वो बचे हुए पेंडिंग काम जो पब्लिक वर्क होता है उसको किया जाता है। यानी अब आपको मंडे को 7 बजे तक ये आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, ये जो 99% जो संभावना है, यानी मंडे को आपको एनी हाउ देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अब टेक्निकल ग्लिच है तो उसमें भैया काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए उन्होंने केवल एक विज्ञापन देकर छोड़ दिया है कि वैसे बच्चे जिनको 9 तारीख को मतलब एग्जाम देना, वो पैनिक ना हो, यानी आपकी जो एडमिट कार्ड की जानकारी इसी माध्यम से दी जाएगी। वो सर्वर इशू है, कोई भी लिंक बनाने में, अगर आप लोग बीसीए बैकग्राउंड से होंगे तो पता होगा, कोई भी लिंक बनाने में या कोई भी जो होता है वो चीज़ क्रिएट करने में थोड़ा समय लगता है। और ऐसे भी सरकारी काम तो 2 मिनट का काम भी 2 घंटे में इंसान करते हैं, और 2 घंटे का काम तो 2 दिन में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, बस करना यही है कि आपको थोड़ा सा संयम बनाकर रखना है और अपनी मेहनत को फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में एक ये भी लेकर आऊँगा कि आखिरी जो 9 दिन बचे हुए हैं आपका 1 से लेकर 9 तारीख तक, उसमें आप कैसे अपनी तैयारी को फाइनल करें और कैसे अपनी तैयारी को फाइनल जो है वो एंड अप दें, ठीक है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्री बनाना चैनल पर एन एक्सपर्ट से गुरु बाबा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।